डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर आर ई ए डी हुज वन साइड आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो इसमें स्टूडेंट्स गिवन क्या है, ओनली वन साइड हमें दी गई है 5.1 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले यही करना है हमें, आर ई गिवन है, आर ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी आर या आर डी ए की बात होती है इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। रीजन, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। अब ये एंगल है, सभी 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का साइन होता है। एंगल आर इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बिकॉज ईच एंगल्स इज 90 डिग्री इन ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सभी एंगल्स हो गए और सभी साइड हो गए, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स। तो अब हमें इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, जिसका नेम है आर ई। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका, सेकेंड स्टेप होगा आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एट आर विद प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर से आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो। ये प्रोट्रैक्टर हो गई, ये 90 डिग्री का साइन हो गया और इसको मिला के ऐसे हम बढ़ा देंगे। इसका कोई भी नेम दे सकते हो इनसे अलग, जैसे मैंने दे दिया इसका जी। अब अगला स्टेप क्या होगा, पॉइंट ई पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दो। थर्ड स्टेप है ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एट ई विद प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर से इस पे भी बना दो, ये 90 डिग्री का साइन हो गया
इसको मिला के आगे बढ़ा दो। इसका कोई भी नाम रख देंगे हम एच। अब अगला स्टेप क्या होगा, काटे ये पॉइंट क्या है, ये लाइन सेगमेंट है आर डी, आर डी इस रे में से हमें 5.1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। करते आर डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम रे आर जी, आर जी रे में से। अब हमने इतना कंपास खोल लेना है और ऐसे एक लाइन साइन लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। ये जगह ऊपर थोड़ी सी कम रह गई मेरे पास, इसको मैं इरेज करता हूं ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। ये जी पॉइंट आगे ले जाना है, तो रे को कितने भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी पॉइंट यहां आ गया और ये एच पॉइंट यहां ले लिया, नहीं तो इकट्ठे हो जाते पॉइंट। अब ये इतना कंपास ओपन करोगे और ऐसे साइन लगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप है, काटे ई ए, इस साइड का क्या नाम है ई ए, इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम रे ई एच। ई एच रे से हमने इसको कट करना है, तो कंपास इतना ही ओपन होगा और ये हमने इस पर आर्क लगा दी। इसका नेम क्या हो गया ए और इसका नेम क्या था डी। ये भी कितनी आ गई 5.1 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप क्या होगा, ज्वाइन ए डी, ज्वाइन ए डी, ए डी को ज्वाइन कर दो स्केल और पेंसिल का यूज करके। तो इसको आप अगर मेजर करोगे तो ये भी 5.1 ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में लिखेंगे दिस इज द स्केयर आर ई ए डी, यह है आर ई ए डी स्केयर बन गया। तो ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सेकंड, सेकेंड समय रोम्बस ड्रॉ करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ड्रॉ ए रोम्बस, whose diagonals are five point two centimeter and 6.4 centimeter long। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, ओनली टू डायगोनल्स, गिवन फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसकी
रफ फिगर ड्रॉ करो। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। अब ये इसमें हो गया डायगोनल और एक डायगोनल ये हो गया। तो अब ये डायगोनल कितना है 6.4 सेंटीमीटर और ये कितना है 5.2 सेंटीमीटर। अब रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं, यहाँ जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे अब ये 6.4 है डायगोनल, तो इसमें जब ये बाइसेक्ट किया तो 3.2 इधर बच गया और 3.2 इधर बच गया। ऐसे ये डायगोनल है 5.2, 5.2 का हाफ कितना होगा 2.6, 2.6 इधर बच गया इसका, 2.6 इधर बच गया। अब इसमें नेम इन्होंने कोई भी नहीं दिया, तो नेम हमने अपनी तरफ से रख देना है ए बी सी डी। तो ये अपना रोम्बस की रफ फिगर हो गई। अब इसके फेयर फिगर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक डायगोनल ले लो पहले, चाहे ए सी ले लो चाहे डी बी ले लो, हमारी मर्जी है। तो अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे साथ साथ, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। डी बी कितना है 5.2, तो 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो जिसका नेम है डी बी और यह है 5.2 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी बी। अब इसमें हमने कंपास का यूज करना है, 5.2 के आप से थोड़ा सा ज्यादा हमें कंपास ओपन करना है और ऐसे हमें करते हैं। और कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इतना ही कंपास ओपन किए किए इधर से लगाई और इधर से लगाई, ये इधर आएगी थोड़ी सी, इनको मिला दिया। तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको डार्क कर देते हैं। दोनों तरफ एरो लगा दो इसमें और ये हमारा पॉइंट आ गया ओ। इनका कोई भी हम नेम दे सकते हैं, जैसे एच दे दिया, इसका आई दे दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डीबी, डीबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ हो गया हमारा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ये सेकंड डायगोनल है अपना और सेकंड डायगोनल कितना है 6.4, तो 6.4 में से 3.2 तो ऊपर रह गया और 3.2 नीचे आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे। थर्ड स्टेप है काटे ओ, अब इसको ऐसे लेंगे तो ओ सी ऊपर सी जाएगा, कट ओ सी इक्वल टू 6.4/2 इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम रे ओ एच। ओ एच रे से जो ओ सी है वो कट कर लो 3.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, ओ पे रखना है और ऐसे साइन लगा देना है, ये हमारा पॉइंट आ गया सी। अब ऐसे ही फोर्थ स्टेप क्या होगा, कटें ओ ए,
इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम रे ओ आई, इसका नेम आई दे रहे इसको ऊपर की ओ आई। अब कंपास जितना ओपन किया था इतना ही ओपन किए कि अब ऐसे नीचे, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया ओ ए, ये ए पॉइंट आ गया बच्चों। अब अगला स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप है ज्वाइन डी ए ए बी सी बी एंड सी डी, इन सभी को मिला दिया तो ये अपना ये आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, कैसे भी मिला दो हमने इनको चारों को मिलाना। तो अभी कंप्लीट हो गया अपना, दिस इज ए रोम्बस ए बी सी डी, ये अपना रोम्बस ड्रॉ हो गया जिसका नेम हमने अपनी तरफ से दिया था ए बी सी डी। तो अभी थर्ड सम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। Adjacent sides are 5 centimeter and 4 centimeter। अब हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल रफ फिगर, नेम इन हमने नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से रखेंगे ए बी सी डी, ये हो गई 5 सेंटीमीटर और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये हमारे को गिवन है। गिवन क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर बी सी 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब ये इन्होंने बोला है रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 5 सेंटीमीटर आ गई। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब बी सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए डी, तो बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज की हमने, बिकॉज अपोजिट साइड से आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स ये होगी अपनी
4 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप क्या होगा, रेक्टेंगल में जो सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बिकॉज ईच एंगल्स इज 90 डिग्री इन ए रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सभी एंगल 90 डिग्री के हो गए स्टूडेंट्स। तो अब बोलो इसका कंस्ट्रक्शन करना कोई मुश्किल काम तो नहीं बचा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, तो यह हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एट ए विद प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प लेके हम इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का साइन हो गया, इसको स्केल का यूज करके और पेंसिल का यूज करके आगे बढ़ा देना, इसका कोई भी नाम दे देना, के दे दिया। अब ऐसे ही बी पॉइंट पे हमें एंगल ड्रॉ करेंगे। Draw an angle equal to 90 degree at a B with a protractor. Protractor का यूज करो, 90 degree का एंगल यहां ड्रॉ कर दो, इसको स्केल और पेंसिल से ऐसे बढ़ा दो, इसका नाम हम रख दिए हैं L। तो स्टूडेंट्स अब अगला स्टेप क्या होगा, कटिंग ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम रे ए के, ए के जो रे है इसमें से ए डी कितना कट करेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो अब कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है और ए पे रखा और ऐसे एक आर्क लगा दी, ये हमारा पॉइंट आ गया डी। अब ऐसे ही बी पॉइंट से काटे बी सी, इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या है, बी सी। बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम रे बी एल, बी एल रे से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया हुआ है पहले, यहां रखा और ऐसे इस पे अर्क लगा दिए, ये हमारा पॉइंट आ गया सी। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ज्वाइन डी सी, डी सी को ज्वाइन कर दो। ये 90 डिग्री का लिखना है, ये 90 डिग्री का लिखना है, बाकी अपने आप है। ज्वाइन डी सी, हमने डीसी को ज्वाइन कर दिया, अब ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। दिस इज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, यह एक रेक्टेंगल है जिसका नेम हमने दिया है ए बी सी डी।
तो ये स्टूडेंट्स अपना थर्ड सम हो गया। अब फोर्थ सम देखते हैं क्या है। Draw a parallelogram. OKAY. Where OK equal to 5.5 centimeter and KA equal to 4.2 centimeter. Is it unique? हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसका नेम इन्होंने दिया है ओ के ए वाई। ओ के ए वाई जिसमें ओ के दे दी इन्होंने 5.5 सेंटीमीटर और के ए दे दी 4.2 सेंटीमीटर। तो इसमें गिवन क्या स्टूडेंट्स, OK इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर और KA इक्वल टू 5.5 और K है 4.2 सेंटीमीटर। ये तो है गिवन। अब हमें OK की हेल्प से YA निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे OK इक्वल टू वाई ए इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। रीजन, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। अब ये हमारी आगे 5.5 सेंटीमीटर। अब के ए के इक्वल ये होगी क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं। के ए इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। चारों साइड हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या इसमें हम कुछ और निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल हमें कोई नहीं दिया गया तो हम नहीं निकाल सकते, ना हमारे को डायगोनल दिया गया तो वो भी हम नहीं निकाल सकते, साइड हम निकाल सकते थे वो हमने निकाल दी, तो अब भी इसको हमें ड्रॉ नहीं कर सकते। रीजन, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए 5 स्टेप हमारे पास नीड है, हमें जरूरी है, और हमारे पास यहां स्टेप कितने हैं, ओनली 4। ये साइड है, ये है, ये है और ये है, 4 स्टेप हमारे पास है और हमें नीड कितने स्टेप की है, 5 स्टेप्स की। तो फिफ्थ स्टेप हमें इसका अपने आप निकाल नहीं सकते और गिवन है नहीं, तो इसलिए ये ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपने सब में करके दिखाना है और फिर लास्ट में सॉल्यूशन क्या लिखोगे
वी नीड 5 स्टेप्स टू ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, चाहे वो रोम्बस है, चाहे स्क्वायर है, चाहे पैरेललोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हमें 5 स्टेप्स की जरूरत होती है। हियर वी हैव ओनली 4 स्टेप्स। अब यहां हमारे पास ओनली 4 स्टेप्स हैं, 2 गिवन थे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए प्रॉपर्टी का यूज करके, जब भी हमारी बातें नहीं बनी। सो वी कैन नॉट ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम, इसलिए हमें ये पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आगे इन्होंने पूछा था, इज इट यूनिक, क्या ये विचित्र है, यूनिक होता है विचित्र। अब इसका आंसर तो हम जब दें जब बने ये, तो बने ही नहीं तो इसका आंसर तो हमें दे ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स ये आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक में करके दिखाना है, ये रफ फिगर भी ड्रॉ करनी है, ये स्टेप भी लिखने हैं और लास्ट में फिर ये स्टेप लिखना है जब आपका सम कंप्लीट होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट।